अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ पकिंग कंडेंसेशन रिएक्शन। तो स्टार्ट लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पकिंग कंडेंसेशन रिएक्शन, और इसको हम पकिंग रिएक्शन भी कहते हैं। तो पकिंग रिएक्शन की हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। रिएक्शन तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, किस किस की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। ये फर्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन, जो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पकिंग कंडेंसेशन रिएक्शन इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्फा substituted unsaturated acids, unsaturated acids जो है हम इससे बनाते हैं। इसकी second application जो है that is in the synthesis of coumarin। कोमेरिन क्या है? एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है जो कि जिसकी नंबर ऑफ बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं। तो जैसे कि ये एंटी बैक्टीरियल के तौर पर एक्ट कर सकता है, इट कैन आल्सो एक्ट एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, एंटी ऑक्सीडेंट एज वेल एज एंटी कैंसर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो थर्ड हमारी जो एप्लीकेशन है इसकी पकिंग कंडेंसेशन रिएक्शन की, वो है सिंथेसिस ऑफ थ्री फ्यूराइल एक्रेलिक एसिड। इसकी सिंथेसिस में भी जो है ये इन्वॉल्व होता है, हम इसकी एप्लीकेशन में इसको ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम प्रेपरेशन ऑफ अल्फा सब्स्टिट्यूटेड अनसैचुरेटेड एसिड्स इसको डिस्कस करते हैं। वैसे तो आपने पढ़ा है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि जो पकिंग कंडेंसेशन रिएक्शन है उसमें हम एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं और उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, और जो हम सेकंड जो जिसके साथ रिएक्शन करते हैं वो होता है एलिफैटिक एनहाइड्राइड। तो जो है हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलती है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स आपको मिलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से जो है आपको ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो अटेन होंगी, यानी कि किस तरह से ये जो है पकिंग कंडेंसेशन रिएक्शन की जो है ये एप्लीकेशंस हैं। तो इनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन से, दैट इज़ प्रेपरेशन ऑफ अल्फा सब्स्टिट्यूटेड अनसैचुरेटेड एसिड्स। तो स्टूडेंट्स हमने ले लिया हमारा स्टार्टिंग रिएक्टेंट जो है वो है रिएजेंट रिएक्टेंट दैट इज C6H5CHO दैट इज बेंजल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। तो इसको हमने ट्रीट करवा दिया प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड के साथ दैट इज CH3CH2CO2 and O। आप इसको प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड कहते हैं, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, दिस इज़ योर प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड एंड दिस इज़ योर बेंजल्डिहाइड। तो अब हम इसको ट्रीट करवाते हैं, किसके साथ ट्रीट करवाएंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड दैट इज सोडियम एसीटेट। तो हमने इसके साथ ट्रीट करवा दिया इसको सोडियम एसीटेट के साथ। तो जो है वाटर की रिमूवल होगी, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। आपको मैंने बताया था कि जब मैकेनिज्म हमने किया था तो फर्स्ट कंडेंसेशन होती है, देन दिस इज़
कंडेंसेशन इज़ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो बाद में सेकंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। तो फर्स्ट अभी हम कंडेंसेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट हम जो है इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो कंडेंसेशन जब हो गई है तो क्या होगा, ये वाला जो है आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये कार्बोनाइल कार्बन है, इससे नेक्स्ट जो कार्बन होता है ये अल्फ़ा कार्बन है। आपने गलती से यहाँ पर से जो है हाइड्रोजन रिमूव नहीं करनी, आपने जो हाइड्रोजन रिमूव करनी है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन रिमूव करनी है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो होती है दैट इज़ मोर एसिडिक, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको जो है बताया हुआ है, लेकिन मैं अगेन बता देती हूँ ताकि आपको जो है ये बात याद रहे। ये जो हाइड्रोजन्स होती हैं ये मोर एसिडिक होती हैं, मोर एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन को आपने यहाँ से रिमूव करना है। तो जब आप इसको रिमूव करेंगे तो रिमूवल कुछ इस तरह से होगी, H2O तो ये रिमूव हो जाएगा और आपके पास जो है कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो बनेगी वो क्या होगी, C6H5CH सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड, देन कार्बन, ये वाला कार्बन क्योंकि इसके साथ एसोसिएट हो रहा है तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो गए हैं, तो कोई हाइड्रोजन लेफ्ट नहीं है, और ये CH3 इसका इसके साथ सब्सटीट्यूएंट अटैच हो जाएगा एज अ सब्सटीट्यूएंट, देन CO, देन दिस O, एंड देन फिर यही CO, ये सारी रिपीट करनी है आपने क्योंकि ये होल ट्वाइस है, CO, CH2 एंड CH3। तो इस तरह से जो है ये आपने अपनी कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखी है। तो अब स्टूडेंट्स आपको पता है नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया कि कंडेंसेशन के बाद क्या होनी है, हाइड्रोलिसिस। तो अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो हाइड्रोलिसिस कैसे होती है इसकी, कि हमने हाइड्रोलिसिस करवाई तो मतलब वाटर ऐड हुआ, तो यहाँ पर जो है OH ऐड हो जाएगा इस साइड पे, और इस साइड पे जो है हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो आपके पास जो हाइड्रोलिसिस के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगी, जो फाइनल प्रोडक्ट आपको अटेन होगी, दिस वुड बी C6H5CH CH3, ये आपने एज इट इज़ ऊपर से लिख लेना है, और CO, और यहाँ पर OH ऐड हो गया तो ये COOH हो गया, एंड नेक्स्ट जो है दैट इज CH3CH2 COOH, दैट इज प्रोपियोनिक एसिड। तो इस तरह से आपको जो है ये कार्बोनाइल कार्बन है, तो इससे नेक्स्ट कार्बन जो है आपके पास ये अल्फा कार्बन हो गया। तो हमने कह दिया कि यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, दिस इज़ योर अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के ऊपर जो है सब्सटीट्यूएंट अटैच्ड है, तो हम इसकी वजह से इसको कहते हैं अल्फा सब्सटीट्यूटेड अनसैचुरेटेड एसिड। अब इसे क्यों कह रहे हैं हम अल्फ़ा सब्सटीट्यूटेड अनसैचुरेटेड एसिड, क्योंकि अल्फ़ा पोजीशन पे जो है यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट CH3 अटैच्ड हुआ हुआ है, और यहाँ पर इसको अनसैचुरेटेड क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन है, और एसिड क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जो है एसिडिक जो है फंक्शनैलिटी दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ग्रुप अटैच्ड है। तो सो स्टूडेंट्स हमने इस तरह से जो है अल्फ़ा सब्सटीट्यूटेड अनसैचुरेटेड एसिड जो है वो सिंथेसाइज़ किया बाय यूजिंग द पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि एप्लीकेशन है पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन की। तो इस तरह जो है आपको जो है अपनी सिंथेसिस आप कंप्लीट करेंगे प्रेपरेशन ऑफ अल्फ़ा सब्सटीट्यूटेड अनसैचुरेटेड एसिड की। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं अपनी सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ, जो कि क्या है, सिंथेसिस ऑफ कुमारिन। स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड एप्लीकेशन से, जो कि क्या है, सिंथेसिस ऑफ कुमेरिन, जो कि मैंने आपको बताया है क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, हमारी सेकंड
एप्लीकेशन है पार्किंग कंडेंसेशन रिएक्शन की। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्टिंग जो है यहाँ पर एल्डिहाइड ले लेते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड जो कि सेल्स एल्डिहाइड है, हमेशा बेंजल्डिहाइड आप लोग लेते रहे हैं लेकिन अब हम थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि हमने सेंथेसिस करनी है किसकी, कुमारिन की। तो आपके पास जो है ये CHO और यहाँ पर OH अटैच्ड है, ये आपके पास इसको हम क्या कहते हैं, सेल्डिहाइड। ये सेल्डिहाइड है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एब्सेंट है। और नेक्स्ट जो है आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड हम ले लेते हैं, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो आपने यहाँ से जो है ये कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन इज अल्फा कार्बन, तो ये हाइड्रोजन होंगी अल्फा हाइड्रोजन होंगी, तो ये देख लिया आपने। तो एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसको हम लिख लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। अब स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ से ये ऑक्सीजन कंडेंसेशन होनी है, तो दो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे और ये ऑक्सीजन, तो यहाँ से इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड दैट इज सोडियम एसीटेट आपने ये रिएक्शन करवाना है और वाटर की रिमूवल हो जाएगी। वाटर की रिमूवल होने के बाद आपको कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगी। तो आपकी कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या होगी ये आपको पता भी चल रहा है, CH यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, फिर C यहाँ पर दो हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, एक हाइड्रोजन अभी रिमेनिंग है, तो यहाँ पर आप वो लिखेंगे CH। नेक्स्ट पार्ट आपने एज इट इज लिख लेना है, दैट इज CO CO, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देन CH3। तो स्टूडेंट्स ये आपने अपनी जो है कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना ली है, सॉरी यहाँ पर जो है OH भी अटैच है तो ये यहाँ पर OH भी अटैच कर दें। अब ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपकी बन गई है, अब आपने क्या करनी है इसको, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है जो कि सेकेंड स्टेप था टूवर्ड्स अवर फाइनल सेंथेसिस। तो हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इसकी, अब नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस होगी तो आपको नेक्स्ट स्टेप खुद ही पता होगा कि यहाँ पर OH ऐड होगा और इस साइड पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। तो जब ये ऐड होगी तो आपके पास नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस वाली जो प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या मिलेगी, आफ्टर हाइड्रोलिसिस दैट इज CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O एंड देन OH। आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH फिर CO एंड देन OH इसमें ऐड कर लिया, तो आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं एंड नेक्स्ट ये वाला जो प्रोडक्ट है आप साथ में लिख सकते हैं। तो हमारा जो मेन पर्पज़ है वो हमने इसको जो है इससे प्रोसीड करना है, तो हम जो है इसे लेकर चलते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है हाइड्रोलिसिस के बाद, इसको हम कहते हैं ये है आपकी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। तो ये आपने अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड तो बना लिया और इसका नेम जो है वो क्या है, दैट इज़ ऑर्थो हाइड्रोक्सी सिनेमिक एसिड। स्टूडेंट्स आपने जब सिंथेसिस करते हैं तो नेम जो है वो ज़रूर प्रोडक्ट का मेंशन किया करें, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो है आपके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो कि स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल नहीं है आप इसको, दूसरी बात ये है कि जो है ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी सिनेमिक एसिड जो है इसको हम कहते हैं
जो कि डेरिवेटिव है सिनेमिक एसिड का। तो इस तरह से आप जो है सिनेमिक एसिड डेरिवेटिव्स जो हैं वो आप सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन। ये भी एक एप्लीकेशन है परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन की। तो अब स्टूडेंट्स ये स्टेबल नहीं है तो क्या होगा कि आपको जो है ये फर्दर फ़ौरन से जो है डिकम्पोज होकर न्यू प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें अगर तो ये OH जो है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करता है डोनेट करता है इस सी डबल बॉन्ड O के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ से ये जो है बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो OH जो है हाइड्रोक्साइड ये OH नेगेटिव के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और ये क्या करेगा इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि ये बेस के तौर पर फिर अटैक करता है। OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन एक्ट करती है एज अ बेस, तो ये क्या करती है प्रोटॉन को फ़ौरन से एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है। तो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो अब आप इसको अगर देखें तो इसको हीट करने के बाद यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ से OH निकलेगा और इधर से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो आपको जो है नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलेगी वो कुछ इस फॉर्म में मिलेगी। डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, फिर इसको आप यहाँ पर मेंशन कर दें सी डबल बॉन्ड O और ये वाला जो है O रह जाएगा रिमेनिंग। तो इस O को जो है आपने इस तरह से इसके साथ कंबाइन कर देना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको जो है ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट मिली है जिसको हम कहते हैं कोमेरिन। दिस इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट कोमेरिन जो कि एप्लीकेशन है सेकंड एप्लीकेशन है परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन की। तो स्टूडेंट्स अब हम अपनी थर्ड एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं दैट इज़ सिंथेसिस ऑफ 3-फ्यूराइल एक्रिलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स हमारी जो थर्ड सिंथेसिस है दैट इज सिंथेसिस ऑफ 3-फ्यूराइल दिस इज 3-फ्यूराइल एक्रिलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट लेते हैं और इसके लिए जो है आपने एल्डिहाइड जो आप लेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड दिस वुड बी फर्फ्यूरल। तो हमने ले लिया फर्फ्यूरल, ये मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ। इसको हम फर्फ्यूरल भी कहते हैं और इसका जो IUPAC नेम है दैट इज़ फ्यूरॉन 2-कार्बल्डिहाइड। इसे सेकेंड नेम जो इसका IUPAC नेम है इसको हम कहते हैं फ्यूरॉन। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ दिस इज़ फर्फ्यूरल और जो इसका IUPAC नेम है IUPAC नेम के अकॉर्डिंग IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग जो इसका नेम है दैट इज़ फ्यूरॉन 2-कार्बल्डिहाइड। तो स्टूडेंट्स हमने इसका नेम भी देख लिया, अब हम जो है इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ दैट इज़ CH3CO होल ट्वाइस एंड O। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड है और हमने इसको ट्रीट करना था किसके साथ एलिफैटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो हमने ले लिया एरोमेटिक एल्डिहाइड फर्फ्यूरल और इसको ट्रीट करने जा रहे हम एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ। तो स्टेप तो आपको पता ही है हमने इसको ट्रीट करना है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड दैट इज सोडियम एसिटेट के साथ और इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर की रिमूवल के बाद जो है आपको जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट अचीव होगी वो क्या होगी
यहाँ पर आपने ऑक्सीजन मेंशन कर दिया एज इट इज़, तो स्टूडेंट्स रिएक्शन उसी तरह ही होगा सेम, जिस तरह ये वाला जो है कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन ये आपका अल्फा कार्बन और ये जो है हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ से ऑक्सीजन आएगी, यहाँ से दो हाइड्रोजन जो हैं वो रिमूव होंगे और एक हाइड्रोजन रिमेनिंग है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से वाटर को रिमूव करना है और वाटर को रिमूव करने के बाद आपको जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या होगी, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, क्योंकि एक हाइड्रोजन लेफ्ट है तो यहाँ पर सी एच आप मेंशन करेंगे, उसके बाद जो है पार्ट आपने सी ओ फिर ओ और फिर इसी को दोबारा से रिपीट कर देंगे, दैट इज़ सी ओ सी एच थ्री। तो स्टूडेंट्स होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी, आप क्या करेंगे, हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, कंडेंसेशन हो गई है इसकी, कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपको पता चल गया है। अब हम जो नेक्स्ट इसी करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होगी और इसमें वाटर जो है इसके साथ रिएक्शन है, यहाँ पर आपके पास ऐड हो जाएगा OH, सेम आपको जो कि स्टेप्स मैंने प्रीवियस सेंथेसिस में भी करवाए हैं आपने इसी को रिपीट करना है। तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट आपको अटेन होने वाली है, जो दिस वुड बी सी एच डबल बॉन्ड सी एच एंड दिस इज सी ओ एच, या यहाँ पर जो है ओ एच ऐड हो गया और इस तरफ जो है ये दूसरी प्रोडक्ट आपको एसिडिक एसिड हम इसको भी लिख लेते हैं सी एच थ्री सी ओ एच। तो अब ये जो कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन इज अल्फा कार्बन, दिस इज़ योर बीटा कार्बन एंड दिस इज प्रोवाइड्स यू एन अनसेचुरेशन, तो हम इसको कहेंगे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड तो है ये, लेकिन इसका नेम क्या है, दिस इज टू फ्यूराइल एक्रिलिक एसिड, हम इसको कहते हैं ये जो पार्ट है फ्यूराइल पार्ट है तो हम इसे कहते हैं दिस वुड बी थ्री टू फ्यूराइल एक्रिलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने जो फाइनल प्रोडक्ट है थर्ड सेंथेसिस दैट इज थ्री फ्यूराइल एक्रिलिक एसिड वो कंप्लीट की है बाय दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन। होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये सारा समझ आ गया है, अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।